आइटम राइटिंग के लिए कुछ ज़ाबिते और उसूल हैं, जिस तरह ये सामने जो नज़र आ रहा है कि पुट एज मच ऑफ द वर्डिंग एज पॉसिबल इन द स्टेम ऑफ द टेस्ट आइटम। तो इसकी अगर आप देखें कि स्टेम में ज़्यादा होने चाहिए, इसकी एक मिसाल आप देखें कि स्कैनर इज़ इनपुट डिवाइस, स्टोरिंग डिवाइस और वो आउटपुट डिवाइस। तो इसमें ये स्कैनर इस जो है स्टेम है, इसमें ज़्यादा अल्फाज होने चाहिए थे बनिस्बत जो ऑप्शन है उनमें। तो इसको हम रिव्यू करते हैं और इसको ठीक करते हैं। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज स्कैनर, और फिर इनपुट स्टोरिंग पॉइंटिंग एंड आउटपुट। तो इस जो डिवाइसेस की जो रिपीटेशन थी वो भी स्टेम में चली गई और स्टेम जो है वो मज़ीद क्लियर हुए। थैंक यू वेरी मच।